सरकार से शिकायत ही रही, कुछ तो अच्छा हो नहीं पाया। सरकार से शिकायत थी तभी ना सड़क पर रात बिता रहे थे। जो भी जननेता है, जो जनप्रतिनिधि है, विधायक है, मंत्री है, उसकी आँखों में जनता के प्रति दर्द होना चाहिए, भाव होना चाहिए। अगर हेमंत दा हमनिक 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति ना लगवा है तो बहुत जल्द इबर हम इन पैदल आ रहे, मुँह कान सुखाए गए रहे, लेकिन आने वाला दिन हम इन गाड़ी से अब जंगली चाय जी तो शहर ने तो फिर उत्पाते मचे तो भैया कहीं जंगली जंगल वाला रास्ता धर ले तो सब आदमी अब अपना खतियान बसका से निकालने का कोशिश करिए। कहे कि आने वाला दिन जिसका हाथ में खतियान हो तो वह झारखंडी की पहचान है, तो दूसर कोई आइडेंटिटी ना है। तो जन जन की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए जीएन भारत की टीम रांची के राजभवन के समीप पहुंची है, जहां पर पिछले 15 दिनों से आंदोलन चल रहा था। और आप देख सकते हैं ये उजड़ता हुआ बांस, ये उखड़ता हुआ टेंट आप देख सकते हैं, ये आज समाप्त हो रहा है, इसी से आपको पता चल रहा होगा। और ये जो हमारे पीछे देख रहे हैं, ये जो गाड़ी है, ये यहाँ से अभी कुछ ही देर में रवाना होगी बोकारो। तो आइए आंदोलनकारियों से बात करते हैं कि ये लोग जो आंदोलन समाप्त करके आज जा रहे हैं, क्या इनकी मांगे पूरी हो गई है या मंत्रियों ने इनको क्या ऐसा कह दिया है कि ये आंदोलन समाप्त करके आज यहाँ से जा रहे हैं। आज आप लोग जा रहे हैं धनबाद, ये गाड़ी है ये भी जा रही है धनबाद, और आपको क्या लगता है कि आपके जाने से मांग पूरा हो जाएगा? तीन अभिभावक तुल्य जो मथुरा महतो, लॉबिन हेम्ब्रम और दामोदर महतो आए थे, उन्होंने जो वादा किया है वो उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कराएंगे, तो हम लोगों को उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी। पिता तुल्य हैं तीनों, गीताश्री मैडम भी वहीं थी और कई लोग थे, परिवार की भी चिंताएँ थी, तो उम्मीद तो है, देखिए क्या। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि चलते सत्र में ही हम लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात कराएंगे। मथुरा दा और दामोदर महतो ने कहा कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री से बात की, बगैर लॉबिन दा ने कहा कि मेरी बात नहीं हो पाई। तो हम लोगों ने कहा है भाई तीनों को कि आपकी जवाबदेही है, तो वो कहे हैं कि हाँ हमारी ही जवाबदेही है, हम मिलाएंगे, देखते हैं। मुद्दों पर बात नहीं हो पाएगी तो सरकार से शिकायत ही रही, कुछ तो अच्छा हो नहीं पाया। सरकार से शिकायत थी तभी ना सड़क पर रात बिता रहे थे। मुख्यमंत्री को इतना असंवेदनशील नहीं होना चाहिए, सिर्फ इस राज्य के नहीं, किसी जो भी जननेता है, जो जनप्रतिनिधि है, विधायक है, मंत्री है, उसकी आँखों में जनता के प्रति दर्द होना चाहिए, भाव होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। जो भी जननेता हो जनता की संवेदनाओं को समझना चाहिए। ढीठ नेता नहीं हो सकता है, ढीठ विधायक, ढीठ मंत्री या ढीठ मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, लेकिन जो है सो यही है, देखते हैं हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। मुख्यमंत्री तो हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी हठधर्मिता दिखाई है उसे लगता है कि वो ढीठ है। आज आप लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्या आपकी मांगे पूरी हो गई है या फिर मंत्रियों ने क्या ऐसा कह दिया है जो आप यहाँ से जा रहे हैं? सबसे पहले सबके एकदम खतियानी जोहार बिहान बेलकटा। आज हम इनके टेंट उंट खुल रहा है, कल हम इनके माननीय लॉबिन दा, लंबोदर दा, मथुरा दा अलथिन, सत्ता पार्टी के दो विधायक और विपक्ष के एक विधायक जब मुखर है के विधानसभा में बात रखे हथिन कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागे, तो अखिन आगे हम इनके जूस पियाई के अंसल दा तोड़ेलथिन। और कल हमने निर्णय हो गए कि आज सब भाई हम इन घर चल जेबे, क्या 16 दिन हो गए आयल हमने घर से छोड़ल, सबके फोन आ रहा है घर से, सब चिंता कर रहा थीन। तो हम इन तय कर ली कि 2-3 दिन के भीतर अखिन बाय रेकॉर्ड बाय मीडिया में कहलथिन कि CM से बात हो गल है कि मिलेबो, और लोबिंदा कहला हमार पिंटू से बात हेलो, पिंटू भी नाराज ना हो कहलो मिलेबो, तो ये बात तो हम इनके क्लियर हो गए। तो हम इन आज सब टेंट उंट भी अथी रहा है, इधर हमार मिलन भाई है, पिंटू बाबू है, मिथिलेश दा है, शक्ति दा है, सब हम इन फिर तय कर ले ली। जब विधायक सब कहलथिन कि 3 दिन में हम नहीं मिलेब, 3 दिन में मिलेब, तो हम इन ओखनी बात रख के झारखंडी शेर लागथिन, झारखंडी ओखनी धड़कन लागथिन, और सत्ताधर पार्टी कर विधायक लागथिन, तो स्पष्ट तौर पे हम इन ओखनी बात के रख ली। और आने वाला 2-4 दिन के भीतर हम इनके 5-7 डेलीकेट के मिलते, तो हम इन ओखनी जाए कि मिलब, और तमाम हम तोर न्यूज के माध्यम से कह जाए कि हम ही आह्वान कर रहे कि जे अगल बगल रांची, रामगढ़, गोला या चार
चावल आलू सब्जी आन दिया हमिन आई के यहाँ खेबे रहबे ओखिन के सबसे पहले हम एकदम दिल से धन्यवाद दे कि झारखंड के तोनी मान सम्मान शान लागिया तोहिन हमिन के आन दिलिया हमिन के जे चावल धान सब बाँचल है आलू तालू हमिन और मांझी में एगो अनाथ आश्रम है ओकरा दे दिए काम कर रही और आज के बाद कोई चावल तावल आनिया ना था कहे कि आज हमिन घर जा रही सबका फिर हमिन तय कर लेबे पहले कि ओकर बाद रणनीति बनेबे फिर हमिन मिलल बाद आगू कर भाषा संघर्ष समिति पूरा धनबाद बोकारो टीम बन के फिर हमिन आगू रणनीति करबे और ओकर बाद आगू और एगो बात कह चाहबू कि जे भी साथी सब सहायता कर लिया अब तो इन ककरो सहायता करे के जरूरत ना हो तोर पंचायत में तोर प्रखंड में तोर गांव में जे लीड करो ओकरा तोनी हौसला बढ़िया ओकरा तोनी सहयोग करिया कहे कि गांव से उठब तून तभी शहर चढ़ब तून गली से बहरब तून तबे तोर जिला चढ़तो तो सहायता अगर करना हो तो फोनपे तोनपे में ना करिया अपन गाँव घर गिधर के करिया जे तोर खातिर लड़ रहा हो जे तोर खातिर 15 दिन सब कुछ अपन छोड़ के आए लो और आने वाला दिन अगर 3-4 दिन बाद मिलल बाद अगर हेमंत दा हमनिक 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति ना लगो है तो बहुत जल्द इबर हमिन पैदल आ रहे मुँह कान सुखाए गए रहे लेकिन आने वाला दिन हमिन गाड़ी से अब और ये पिंटू गेट हर जगह लगाए दे ने ओकर ताकत ना है कि हम इनके रोक देते और पूरा धनबाद जिला गिरिडीह जिला बोकारो जिला हजारीबाग जिला रामगढ़ जिला पूरा अमीन उधर से 5-7 जिला चढ़ के गाड़ी में बै और इधर के और जो बाकी जिला 17-18 को रात दिन सब पहुँचत है पूरा झारखंड के लड़ाई लाए और जगन हमनी 24 जिला के लोग है और हमिन के फ्लैट वाला सब जंगली कहत ने जंगली चाय जीतो शहर ने तो फिर उत्पाते मचे तो भैया कहीं जंगली जंगल वाला रास्ता धर ले तो गली कोचा नाला जोनटा पहुँचबो हमिन विधानसभा पहुँचबो और विधानसभा में बैठ जीबो जितना रंगा सियार 3 विधायक छोड़ के ककरो बोली नहीं बाहर आए रहलोन जितना रंगा सियार या अपन तोनी तय कर ला कि 23 तारीख 17 के बाद सबके गांव घर जाना हो और बैठना हो कौन तोरा चेयर दो कौन कुर्सी दो और कैसे तो उद्घाटन कर में अपन विधायक मत तोरा सिर्फ विधायक मत से मतलब हो तोरा उद्घाटन से मतलब हो तोरा सिर्फ मने अपन पार्टी से मतलब हो झारखंड से ना ना मतलब हो और सब आदमी अब अपना खतियान बसका से निकालने का कोशिश करिए कहे कि आने वाला दिन जिसका हाथ में खतियान हो तो वह झारखंडी की पहचान है तो दूसर कोई आइडेंटिटी ना है तो और अगर झारखंडी के कोई चैलेंज कर तो अब झारखंडी आर पार के लड़ाई लड़ तो और आज अमीन फिर से कह चाहो कि दादा तो इनके बहुत प्यार रहा है बहुत मोहब्बत रहा है आंदोलन हम इनके जबरदस्त रहा है और एक चीज़ लास्ट आपको बोलना चाहते हैं कि टाटा स्टील जो है इसको ज़रूर चलाइएगा। टाटा स्टील 99 साल का एग्रीमेंट पे है लीज पे है उसका 99 साल पार हो गया ओकरा बैकडोर से लीज नहीं दे दिया और अब अगर लीज होगा तो झारखंडी को पूरा नौकरी 75% आरक्षण करके लीज होगा। इसलिए जमशेदपुर वासी लोग को हम आह्वान करे चाहिए कि टाटा अगर समय पूर गया है ओकर अब गेट बंद करे बहुत जल्दी हमनी काम करबे आने वाला दिन में टाटा स्टील में जबरदस्त लड़ाई चलते। जय झारखंड जय जोहार खतियानी जोहार। तो आपने सुना कि तीर्थनाथ जी जो हैं और उनके साथ जितने आंदोलनकारी हैं उनका कहना है कि आज वो लोग यहाँ से आंदोलन समाप्त करके तो जा रहे हैं लेकिन कुछ ही दिनों में वो वापस आएंगे मुख्यमंत्री जी से मिलने। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।